तो गाइस फाइनली फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज 2023 एंड हो चुका है और इस साल की वर्ल्ड चैंपियंस बनी मैजिक स्क्वाड फ्रॉम ब्राजील। थाईलैंड के होम ग्राउंड बैंकॉक में उनकी टीम की विनिंग स्ट्रिक को तोड़कर और फाइनली 4 साल के एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली ब्राजील यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियंस बन गई। बट एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं सभी फ्री फायर ई स्पोर्ट्स लवर्स से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को इस साल की वर्ल्ड सीरीज में वर्ल्ड सीरीज की वाइब्स आई? क्योंकि भाई आप 2019 के ब्राजील के वर्ल्ड सीरीज को उठाकर देख लो, वो काफी धमाकेदार तरीके से होस्ट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। 2021 का सिंगापुर का वर्ल्ड सीरीज देख लो या फिर पिछले साल 2022 का बैंकॉक का वर्ल्ड सीरीज देख लो, इन सभी वर्ल्ड सीरीज को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे होस्ट किया गया था। बट गाइस इस साल जो 2023 का वर्ल्ड सीरीज हुआ था, लिटरली भाई कोई सा भी यहाँ पे एक बढ़िया सा इंतजाम हम लोग को देखने को नहीं मिला। ना हम लोग एक लैंड वाली फील आई, ना यहाँ पे कोई स्टेज विस्टेज था, बिल्कुल एक नॉर्मल से एकदम सस्ता वाला एकदम इन लोगों ने इंतजाम किया था। मेरा घर थोड़ा सा यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसलिए आपको थोड़ा सा वॉइस डाउन लगेगा। बट गाइस इस साल का जो वर्ल्ड सीरीज था वो नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा बिलो था। लेकिन क्यों, आखिर क्या रीजन रह गया कि जो फ्री फायर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जो कि साल में सिर्फ एक बार होता है, वो जो वर्ल्ड सीरीज है, उसका इस साल बहुत ही चीप लेवल पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, होस्ट किया गया? क्या फ्री फायर के पास पैसा नहीं था, बजट नहीं था, या कोई और बड़ा रीजन है? और इसके आगे एक और मैं आपको बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज बताऊंगा, जिसके बाद आप बोलोगे भाई सही में भाई फ्री फायर के पास पैसे की कमी हो गई है। तो चलिए गाइस आगे बात करते हैं। तो इस साल का जो वर्ल्ड सीरीज था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई सा भी इन लोगों ने यहाँ पे मतलब एक प्रोफेशनल टाइप का इंतजाम नहीं किया था। इन लोगों ने बिल्कुल एक नॉर्मल साइटिक हॉल वॉल या कोई बड़ा सा यहाँ पे रूम वूम था, उसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे डब्बा वब्बा यहाँ पे मतलब एक शेल वेल बना के, मतलब एक तरह से एक जो बॉक्सेस होते हैं वैसा कुछ बना के यहाँ पे टीम्स को रख दिया और नॉर्मली यहाँ पे फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा दिया। और लिटरली जो बाहर से टीम्स आई होंगी थाईलैंड की, ब्राजील की, मतलब उन लोगों को यार मतलब क्या ही फील हुआ होगा कि उनके कंट्री में जो यहाँ पे लैन इवेंट्स होते हैं, जो नॉर्मली उनके कंट्री में होते हैं, वो वर्ल्ड सीरीज से ज्यादा बेटर होते हैं। तो चले गाइस बात करते हैं कि क्या भाई सच में फ्री फायर का जो बजट है वो कम हो गया है क्या? इसीलिए यहाँ पे क्रिमिनल बंडल्स जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट बंडल्स है हमारे फ्री फायर के, उनको यहाँ पे रिटर्न ला दिया गया ताकि इन लोग का जो बजट है वो यहाँ पे जो पैसा ये लोग कमा सके? और क्या इस लो बजट का रीजन फ्री फायर इंडिया है? क्योंकि टाइम से ये फ्री फायर इंडिया इंडिया में लॉन्च नहीं हो पाया। भले हम लोग को नहीं पता है बट काफी सारा इंटरनल लॉस भी हुआ होगा फ्री फायर को ड्यू टू फ्री फायर इंडिया पोस्टपोन। और वैसे भी एक नए एप्लीकेशन को लाना, उसका ट्रेलर बनवाना, बहुत बड़े बड़े हस्ती को उस ट्रेलर में लाना, और साथ ही भाई इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना, ये कोई आम बात है नहीं। इसमें इन लोगों को बहुत सारा पैसा फूकना पड़ा होगा और साथ ही जो ट्रेलर का खर्चा आया वो अलग, और अभी तो काफी सारे ट्रेलर्स आने बाकी है। और साथ ही जो इंडिया में फ्री फायर इंडिया पे जो काम कर रहे हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, तो इन सभी को भी यहाँ पे गरीना हायर करते जा रही है, इसमें भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो इसको एक रीजन मान सकते हो कि हाँ भाई फ्री फायर इंडिया की वजह से जो फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का जो बजट है उसको कम रखा गया, इस बार सस्ते में यहाँ पे निपटा दिया गया फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज को। और इस चीज को हम लोग एक गुड न्यूज के तौर पर भी ले सकते हैं, क्योंकि भाई ऐसा मेरे को सुनने में आ रहा है कि जो नेक्स्ट फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज होने वाला है वो हमारे इंडिया में होने वाला है। जी हाँ गाइस, अब मैं ये किस बेसिस से बोल रहा हूँ तो मैं आपको बता दूं कि भाई जैसे अब दिसंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जैसे आ जाता था, मान लो भाई अभी जो 2023 का वर्ल्ड सीरीज चल रहा है, तो जब ये वर्ल्ड सीरीज का अनाउंसमेंट हो जाता था तभी ये लोग अगले साल जो वर्ल्ड सीरीज होगा वो किस लोकेशन पे होगा इसका अनाउंसमेंट कर देते थे। बट गाइस अभी तक यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है कि जो अगला वर्ल्ड सीरीज होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, और कुछ लीक्स यही निकल के आ रही है कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड सीरीज होने वाला है वो यहाँ पे इंडिया में होने वाला है। और जो लेट्स ग्रो ई स्पोर्ट्स है, जिन्होंने सबसे पहले फ्री फायर इंडिया का जो न्यूज है और जितने भी हिंट्स है वो दिया था, उन लोगों ने भी यहाँ पे 31 अगस्त 2023 को ये ट्वीट किया था कि जो फ्री फायर का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट है, वो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर इंडिया में हम लोग को देखने को मिलने वाला है। और इनकी जो बात है वो यहाँ पे बिल्कुल सही होती है। तो जहां तक तुम मेरे से पूछोगे तो मेरे ओपिनियन से जो फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज है उसका बजट कम कर दिया गया है, और अपकमिंग जो फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज इंडिया में होने वाला है इसके लिए भाई ये लोग बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोग को जनवरी, फरवरी, मार्च में काफी सारे लैन इवेंट्स यहाँ पे ऑफिशियल अनऑफिशियल काफी सारे लैन इवेंट्स हम लोग को इंडिया में देखने को मिलने वाला है। तो इस पे गरीना काफी ज्यादा पैसे फूकने वाली है और इसीलिए फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का जो यहाँ पे बजट है उसको कम किया गया है, ताकि जो फ्री फायर इंडिया इंडिया में आने वाला है यहाँ ये लोग 100% पैसा फूक सके, यहाँ कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जहां तक मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पे अब इंडिया जो है फ्री फायर का ई स्पोर्ट्स हब बढ़ने वाला है। अभी के टाइम पे ब्राजील है बट आप इंडिया की और इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी की तो पावर जानते ही हो। तो मेरा ओपिनियन यही कह रहा है कि 2024 का जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होने वाले हैं फ्री फायर इंडिया भाई फाड़ने वाला है। इस साल गेम नहीं आएगा ये मैं लिख के दे रहा हूँ, गेम हम लोग को जनवरी फरवरी के बीच में ही देखने को मिलने वाला है। और इस साल काफी सारे लैंड इवेंट्स होने वाले हैं जिसमें फ्री फायर अपना पूरा खर्चा करने वाला है इंडिया के अंदर। मेन फोकस इन लोगों का इंडिया के अंदर है, काफी सारा लॉस हो चुका है,
अब इन लोगों को पैसा पेलना है, इसीलिए इन्होंने फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का पैसा सैक्रिफाइस करके फ्री फायर इंडिया में फूका है। अब आप में से काफी सारे लोग यही बोलोगे, भाई ऐसा तो नहीं है कि गरीना के पास पैसा नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी है, इनके पास पैसे की कमी थोड़ी है। तो हाँ भाई, इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, बट हाँ ये लोग अभी पैसा बचा रहे हैं। और पैसा बचाने का एक और आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो पिछले साल 2022 में जो फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज हुआ था, उसका जो प्राइस पूल था वो था 1.8 मिलियन US डॉलर्स। और इस साल 2023 में जो फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज हुआ है, उसका प्राइस पूल था यहाँ पे ओनली 1 मिलियन US डॉलर्स। मतलब यार तुम डिफरेंस देख रहे हो, पिछले साल यहाँ पे 1.8 मिलियन डॉलर्स और यहाँ पे सिर्फ 1 मिलियन, यानी यहाँ पे 8 लाख, यानी 8 लाख डॉलर्स यहाँ पे कम ज्यादा हुए है। पिछले साल यहाँ पे 18 लाख US डॉलर्स और इस साल सिर्फ 10 लाख US डॉलर्स। मतलब भाई एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इस बात से आप लोग समझ सकते हो कि भाई जो फ्री फायर है वो सच में पैसे बचा रही है। और वो पैसे क्यों बचा रही है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब भाई मेरे में ज्यादा ताकत है ही नहीं बोलने की, मेरा गला वाला पूरा बैठ गया है। बाकी यही थी वीडियो, चलेगा इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।